हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे रबड़ी सेवई। बनाना बेहद आसान और खाने में तो आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी है। तो फटाफट से आप इस रेसिपी को ट्राई करें, ईद पे इसे ज़रूर बनाएँ और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और गेस्ट को इसे सर्व करें। एक पतीला मैंने गैस पे रख लिया है, तो सबसे पहले ना हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो यहाँ मैं 1.5 कप पानी इसमें ऐड करूंगी। तो देखिए 1.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पे 3/4 कप ऐड करूंगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है ना, तो आप 1 फुल कप भर कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद ना हमें यहाँ पे 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुल जाए इतना ही हमें इसे पकाना है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इलायची पाउडर। तो देखिए चीनी जैसे जैसे घुल जाएगी ना, मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। 1 तार 2 तार ना बनाएं, सिर्फ चीनी को हमें अच्छे से घुला लेना है। और देखिए चीनी जो है ना, वो बढ़िया से इसमें घुल गई है। तो अब गैस की फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और चाशनी को एक साइड पे रख दूंगी। नेक्स्ट मैंने एक और पैन गैस पे रख दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी। तो 1 टेबल स्पून घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। घी को अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे, घी अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत ही यमी और यूनिक रेसिपी है। आपने सेवई बहुत बार ईद पे बनाई होगी, एक बार इस तरह से सेवई रबड़ी बना करके देखें, आपको बनाने में बेहद मज़ा आएगा और यकीन मानिए फैमिली को खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ मैंने ये बारीक वाली सेवई ले ली है। वर्मीसेली का यूज़ मैंने यहाँ पे नहीं किया है। बारीक वाली सेवई जो है ना, बहुत जल्दी पक भी जाती है और ईद में अक्सर यही सेवई इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर बारीक वाली सेवई ली है। किसी भी स्टोर में आपको ये मिल जाएगी। और अब हम इसे क्या करेंगे ना, ये काफ़ी लंबी होती है साइज़ में, तो इसे हम छोटे छोटे साइजेस में तोड़ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटा भी इसे नहीं करना है। मैं आपको तोड़ने के बाद दिखाऊंगी कितना मैंने इसे तोड़ा है। और ये तोड़ने पे ना काफ़ी बिखर सकती है, तो मेरी तरह आप गलती ना करें। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया था, आप बाउल की जगह कोई थाली ले सकते हैं और उसमें इसे तोड़ लें। तो देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको साइज़ भी दिखाऊंगी कितने साइज़ का मैंने इसे तोड़ा है। तो ये बहुत ही बारीक सेवई होती है, गल भी बहुत जल्दी जाती है, फटाफट बन भी जाती है। सारी सेवई तोड़ने के बाद ना देखिए, अगर कोई भी आपको लंबा पीस दिखता है ना इसमें, तो उसे भी तोड़ ले। और लीजिए सेवई मैंने तोड़ ली है, देखिए इस साइज़ की मैंने ये तोड़ी है। ये थोड़ा सा लंबा साइज़ है, तो मैं इसे भी हाफ कर दूंगी। तो इतने साइज़ की हमें सेवई को तोड़ लेना है। और अब यहाँ पे जो हमने घी गरम होने के लिए रखा था ना, वो भी अच्छे से गरम हो गया है। देखिए सेवई हमारी रेडी हो गई है, घी भी गरम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इन्हें इसमें रोस्ट कर लेंगे। वैसे ये पहले से ही रोस्टेड सेवई हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट इसे मैं रोस्ट करूँगी ताकि हल्का सा इसका जो कलर है ना, वो डार्क हो जाए। अगर आप अनरोस्टेड लें तो उसे ज़्यादा देर तक के लिए आपको रोस्ट करना पड़ेगा, जब तक कि उसका कलर जो है ना, वो डार्क ब्राउन ना हो जाए। लेकिन ये पहले से ही रोस्टेड थी, तो इसे मैं ज़्यादा देर तक नहीं भूनूंगी, बस हल्का सा इसे मैं भून लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए लो गैस पर। तो इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना भूने, हाई फ्लेम पर भूनेंगे ना तो ये जल सकते हैं, इसलिए इसे लो गैस पर ही भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। अगर आप छोड़ देंगे ना, तो नीचे की जो सेवई है वो जल सकती है। और देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे इसका कलर ना, जो हमने पहले इसमें ऐड की थी वो ब्राउन थी, धीरे धीरे इसका कलर हल्का डार्क ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसे भूनना है। जब इसका कलर हल्का डार्क ब्राउन हो जाए ना, उतना ही इसे भूनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और देखिए सेवई जो है ना, वो भुन गई है। तो अब हमने जो पहले चाशनी तैयार करके रखी थी ना, वो अब इसमें ऐड कर देंगे।
चाशनी ऐड करने के बाद ये जो सेवई है ना 3 से 4 मिनट में बन करके रेडी हो जाती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बारीक होती है ना, इन्हें बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप चाहें तो इन्हें एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश करके, लेकिन हम तो शाही रबड़ी सेवई बना रहे हैं, नवाबी सेवई बना रहे हैं, तो हम तो इसे और भी चीज़ें ऐड करने के बाद ही सर्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और देखें कि मैं इसमें और क्या क्या मॉडिफिकेशंस करती हूँ। और अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि सेवई ने सारी चाशनी को अच्छे से सोक कर लिया है। देखिए अच्छे से सारे पानी को ना सेवई ने अब्सॉर्ब कर लिया है। देखिए अच्छे से ये गल भी गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम इसे एज इट इज़ रख देंगे। थोड़े से पानी की क्वांटिटी मैं इसमें छोड़ दूंगी, ताकि जब तक ये रखी रहे ना ये खुद से सारे पानी को अब्सॉर्ब कर ले। तो मैं इसे ढक्कन लगाकर साइड पे रख रही हूँ। 1 से 2 चम्मच पानी मैं इसमें रहने दूंगी, चाशनी रहने दूंगी, ताकि जैसे जैसे ये ठंडी हो ना वैसे वैसे उस चाशनी को सोख कर ले और अच्छे से फूल जाए। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब मैंने 1 लीटर दूध जो है ना वो गर्म होने के लिए रख दिया है। फुल फैट मिल्क का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इसे हमें ना अच्छे गाढ़ा होने तक पका लेना है, जब तक कि एक रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी ना आ जाए दूध में, तब तक हमें इसे पकाना है। और रबड़ी की रेसिपीज़ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो दूध को यहाँ हमें अच्छे से पकाना है। फुल फैट मिल्क का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन रबड़ी अगर फुल फैट मिल्क से बनाई जाए ना तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए दूध को हम इस तरह से बीच में ना एक बार चला भी लेंगे, ताकि ये नीचे ना लगे। वैसे मैंने दूध जब बॉईल करने के लिए ऐड किया था तो पहले जो बर्तन है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मलाई, घर की फ्रेश मलाई है। 1 कप मैंने यहाँ पे मलाई ऐड कर दी है। आप इसकी जगह मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ ऐड कर रही हूँ ना जो हर घर में अवेलेबल होती है, सबको आसानी से मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ। मलाई ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से इस तरह से ना चला लूँगी, ताकि दूध बिल्कुल भी नीचे ना लगे, मलाई भी नीचे ना लगे। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी। तो हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है ना, तो मैं 7 से 8 चम्मच चीनी जो है इसमें ऐड कर दूँगी, लेकिन आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो ना उस हिसाब से चीनी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी, साइड्स को भी स्क्रेप कर लेंगे। और दूध को ना हम बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएंगे, क्योंकि दूध को चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ दूध के जो नीचे लगने के चांसेस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। तो मैंने पहले भी इलायची पाउडर ऐड किया था, अभी थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं रबड़ी में भी ऐड कर रही हूँ। और इसे भी मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए अभी तो दूध की कंसिस्टेंसी एकदम दूध जैसी है, एकदम पतला जैसे दूध होता है वैसी है, अभी रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी इसमें नहीं आई है। तो रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी फटाफट से लाने के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। और रबड़ी की और भी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इंस्टेंट रबड़ी रेसिपी शेयर की है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल रबड़ी की रेसिपी भी शेयर की है, वो भी आप चेक कर लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर लें। और यहाँ मैंने एक बॉल में ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर। तो मैं 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो कॉर्नफ्लोर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आप कॉर्नफ्लोर की जगह कस्टर्ड पाउडर ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो मोस्टली किसी ना किसी फ्लेवर में आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इलायची का फ्लेवर चाहिए हमारी रबड़ी में, इसलिए मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। लेकिन आप चाहें तो आप कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, या मैंने और भी रबड़ी की रेसिपी शेयर की है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी की जगह आप चाहें ना तो ठंडा दूध ऐड कर सकते हैं, पानी भी मैंने यहाँ पे ठंडा ऐड किया है और इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। एक स्लरी सी मैंने बना ली है और दूध भी आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी हद तक पक गया है। 50 से 60% जो दूध है ना वो हमारा यहाँ पे पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसकी साइड्स को अच्छे से पहले स्क्रेप कर लेंगे। जब इसकी साइड्स की मलाई दूध में मिक्स होती है ना तो टेस्ट रबड़ी के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो साइड्स को स्क्रेप करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैं भी बीच बीच में साइड्स को स्क्रेप कर रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नीचे भी इस तरह से करछी को चला लें, ताकि दूध जो है ना वो नीचे भी ना लगे।
यहाँ मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो हमने बना करके रेडी किया था, पानी ऐड करके कॉर्नफ्लोर में, तो इसे मैं एक बार अच्छे से ना मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है तो ऊपर ऊपर सिर्फ पानी रह जाएगा, तो अच्छे से इसे डालने से पहले ना मिक्स कर लें और इसे इस तरह से डालते जाएँ और दूसरी हाथ से कड़छी को चलाते जाएँ। अगर आप इसे आइडल छोड़ देंगे ना तो इसमें लम्ब्स बन जाएंगे और रबड़ी हमारी एकदम ख़राब हो जाएगी। और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे हल्का सा गाढ़ा होने तक, लेकिन अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ना तो ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी, रबड़ी फटाफट से बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं रबड़ी की कंसिस्टेंसी पहले से कितनी चेंज हो गई है। देखिए रबड़ी हमारी बन करके रेडी हो गई है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया ना तो ये फटाफट से बन गई। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, देखिए स्पून कोटिंग कंसिस्टेंसी इसकी हुई है, देखिए एकदम से स्पून कोटिंग कंसिस्टेंसी है, तो रबड़ी बन करके रेडी हो गई है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे हल्का सा ना ठंडा कर लेंगे, एकदम गरम गरम हम इसे सर्व नहीं करेंगे, इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे सेवई देखिए एकदम से बढ़िया से हमारी बन गई है, जो हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें छोड़ा था ना, आप अभी देखेंगे कि पानी की एक बूंद भी नहीं इसमें बची है, चाशनी एकदम अच्छे से सोक कर ली है हमारी सेवई ने। और अगर इस तरह से इसमें पीसेस बन जाए ना तो स्पून की मदद से या किसी पलटे की मदद से ना आप उसे अच्छे से तोड़ लें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें छोड़ दिया था ताकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना ये अपने आप ही उसे सोख कर लेगी। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो सेवई यहाँ पे लग रही है। तो सेवई रबड़ी को आइए असेंबल करते हैं। तो इस तरह की अगर डिश होना आपके पास तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी बर्तन में जो आपको अच्छा लगे आप उसमें सर्व कर सकते हैं, चाहे तो एक एक बॉल में भी लेयर्स बना करके सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह की डिश अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो घबराएं ना, किसी भी बर्तन में आप अपनी पसंद के उसे सर्व कर लें। और अब यहाँ पे मैं एक सेवई की लेयर बना रही हूँ, जो हमने सेवई बना करके रखी थी ना उसकी एक लेयरिंग हम इस तरह से कर देंगे। देखिए अच्छे से हमें सेवई को सेट कर देना है। ये शाही रबड़ी सेवई बहुत ही यम बनती है फ्रेंड्स, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए यहाँ पे मैं सेवई को ना स्पून से इस तरह से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से ना सेट हो जाए, इसका सेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब एक फ्लैट ग्लास से ना मैं इसे इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, आप किसी भी फ्लैट बर्तन से ना इसे इस तरह से अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो सेवई तो यहाँ पे हमारी सेट हो गई, अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें ऐड करेंगे रबड़ी, एकदम यमी टेस्टी रबड़ी बन करके रेडी हुई है तो वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो रबड़ी की क्वांटिटी आप चाहें ना तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगा, आप ज़्यादा रबड़ी खाना पसंद करते हैं या कम रबड़ी खाना पसंद करते हैं। चाहे तो आप रबड़ी आधा लीटर दूध से भी इसी तरह से बना सकते हैं। और देखिए रबड़ी की मैं यहाँ पे एक लेयरिंग कर रही हूँ। रबड़ी को ना हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, जैसे हमने सेवई को किया था ना वैसे ही चारों तरफ रबड़ी को भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं रबड़ी की मैंने एक लेयरिंग सी जो है ना वो कर दी है, तो अब इसके ऊपर मैं फिर से सेवई की लेयरिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इस रबड़ी की लेयरिंग में ना ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और इस बार जो मैं लेयरिंग कर रही हूँ ना वो मैं हाथ से ऐड कर रही हूँ सेवई, ताकि स्प्रेड करना ना ईजी हो जाए, तो आप भी इसी तरह से हाथ से इसे स्प्रेड करें। बहुत ही यम्मी डेजर्ट है, आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगा, ईद पर आप इसे ज़रूर बनाएँ। हर बार ईद पे सेवइयाँ बनाई जाती हैं लेकिन एक सेम तरीके से बनाई जाती हैं, तो इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करें, ये खाने में बेहद यमी है, बनाना बेहद आसान है। तो इस तरह से ना हाथ की मदद से मैं सारी जो सेवइयाँ हैं ना इसमें स्प्रेड कर दूंगी। और अब आप देख सकते हैं सेवइयों की मैंने एक अच्छी सी जो ना है लेयरिंग कर दी है, तो इसे साइड से उसी तरह से हल्के हाथ से प्रेस कर रही हूँ मैं। देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे सारी जो है वो स्प्रेड कर दी है, तो यहाँ पे एक अच्छी सी लेयरिंग हो गई है। तो इस लेयर के ऊपर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो नीचे रबड़ी के ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं फिर से रबड़ी की एक लेयरिंग कर दूंगी,
तो है ना एकदम इंटरेस्टिंग रेसिपी, फटाफट से इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप देख सकते हैं रबड़ी मैंने पूरी तरह से यहाँ पे स्प्रेड कर दी है। तो रबड़ी मैंने पहले ही बहुत गाढ़ी नहीं बनाई है क्योंकि ये ठंडी होगी और ठंडी होने के बाद ना रबड़ी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहें तो इसे थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से पतली रबड़ी बनाएंगे ना तो आराम से स्प्रेड भी हो जाएगी और अच्छे से ये सेट भी हो जाएगी। तो रबड़ी की क्वांटिटी टोटली आप पे डिपेंड करती है, आप कितनी क्वांटिटी में रबड़ी इस डेजर्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं तो अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड करी क्योंकि मुझे इसमें रबड़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से पिस्ता के साथ, चॉप पिस्ता के साथ और थोड़े से बादाम के साथ। आप अपनी पसंद के नट्स के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं, लेकिन पिस्ता और बादाम का जो फ्लेवर है ना वो इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे पिस्ता और बादाम के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो है ना एकदम फटाफट से बन जाने वाला डेजर्ट और यकीन मानिए ये बहुत ही यम्मी बनता है। तो गार्निश करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए, और उसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तो इस ईद पे आप इसे ज़रूर बनाएं। ड्राई फ्रूट्स आप जितने चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, ये भी टोटली आप पे डिपेंड करेगा। और लीजिए अब मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो देखिए मैं इसे 5 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल रही हूँ और देखिए कितना ये बढ़िया ये सेट हो गई है। तो आइए अब इसे सर्व करते हैं। अब मैं जा रही हूँ इसे सर्व करने। तो इस तरह से किसी भी एक पलटे से आप इसे सर्व कर सकते हैं, या आपके पास फ्लैट नाइफ हो तो आप उससे भी सर्व कर सकते हैं। एकदम यम्मी डेजर्ट है, बढ़िया से सेट हो गया है। और लीजिए इसे फटाफट से सर्व करें, आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, गेस्ट को बेहद पसंद आएगी। ये शाही रबड़ी सेवई या फिर नवाबी सेवई आप इसे कह सकते हैं। और लीजिए मैं तो इसे सर्व कर रही हूँ, मैं तो फटाफट से इसे ट्राई करूँगी क्योंकि अब बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। थोड़ी सी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें या फिर इसे ईद पे बनाएं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स को बेहद मज़ा आएगा इसे खाने में। तो आइए थोड़ी सी मेरे साथ आप इसे एंजॉय करें। लीजिए कितना यम्मी डेजर्ट ये लग रहा है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन करके रेडी हो जाता है। थोड़ा सा इसका क्लोज लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना यमी ये लग रहा है और जो ड्राई फ्रूट्स ऊपर से हमने गार्निश किए हैं ना वो तो इसकी रंगत में 4 चांद लगा रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्द मिलूंगी इसी तरह की बढ़िया टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।